हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं समीर स्वराज आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल S2 समीर स्वराज में। अगर आप फर्स्ट वाले यानी कि पार्ट वन जो वीडियो है वो आप नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप पार्ट वन वाला जो वीडियो है वो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहें तो आप पार्ट वन जो वीडियो है वो आप पहले देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो पार्ट वन वीडियो है उसका भी लिंक में इस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने लॉगर बफर साइज के बारे में जाना था कि जितना कम रखेंगे उतना ही मतलब डिस्टर्ब होगा, यानी कि जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा है और जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही डिस्टर्ब होगा। तो ये होता कैसे था, जैसे मान लीजिए आपका 64K में था तो आपका जल्दी जो है आपका आवाज़ निकल गया। अगर 1M में है तो लेट से निकलेगा। जैसे देखिए 64K में हम सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम बोलते हैं हेलो, तो अभी तुरंत आवाज आ जाएगा। देखिए हेलो। मतलब रिकॉर्ड किए और तुरंत आपका जो आवाज है रिटर्न दे देता है, या तो फिर आप रिकॉर्ड किए हो या तो फिर जो बाहर से आवाज रिकॉर्ड हुआ हो। लेकिन जैसे ही आप 1M पर सेलेक्ट करेंगे और रिकॉर्डिंग में बोलेंगे हेलो, तो वो है जो मतलब जितना लेट होगा उतना लेट तक आपको जाकर बोलेगा हेलो। मतलब जो आप रिकॉर्डिंग हेलो करेंगे वो आपका रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको ऑफ कर दिए तो क्या होगा। ऑफ, जैसे ही आप इस ऑप्शन को जब आप ऑफ कर देंगे तो आपका मिनिमम वर्क करता है, मतलब जितना देर तक आपका मिक्सिंग हो। अगर आपका आधा घंटा के बाद रिटर्न करना हुआ तो आधा घंटा के बाद भी कर सकता है। लेकिन आप जैसे ही कम से कम वाला जैसे 64K है उसमें सेलेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादातर कोशिश करता है कि जितना जल्दी से जल्दी आवाज रिटर्न आपको दे दे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आपका जो लेटेंसी है उसका बढ़ जाता है, टाइम लेटेंसी आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, रिकॉर्डिंग के वक्त आपको 64K कर देना है। और ऐसे जब आपका रिकॉर्डिंग वगैरह जो होता है वो अगर हो जाए तो फिर आपको नॉर्मल में ऑफ इसको कर देना है, क्योंकि इससे आपका सीपीयू वगैरह पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।